कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बुधवार को फायर सर्विस के द्वारा रेलवे स्टेशन गोरखपुर परिसर को सैनिटाइज किया गया। इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशन एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट पॉइंट है और इस समय रोज अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में श्रमिक स्टेशन पर आ रहे हैं और अपने गंतव्य को जा रहे हैं। यहां पर संक्रमण बढ़ने का सबसे ज्यादा खतरा है और महानगर में पिछले लगभग 50 से अधिक दिनों में से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में अनवरत लगातार प्रतिदिन 2 से 3 फायर सर्विस वाहनों द्वारा सैनिटाइजेशन छिड़काव किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य रूप से प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रणजीत सिंह, फायर फाइटर रितेश राठौर, आशीष नंदन, राघवेंद्र शाही, प्रेम सिंह, ज्ञान बहादुर प्रसाद, बसंत सिंह, निर्भय राय, जयप्रकाश गुप्ता, धनंजय तिवारी, पशुपति मिश्रा, गौरी शंकर आर्या, अभिषेक सिंह व अशोक शाही उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी डी के सिंह ने कहा, गोरखपुर जंक्शन में, गोरखपुर में इस समय बाहर से काफ़ी ट्रेनें आ रही हैं जिसमें लेबर मजदूर आ रहे हैं भारी संख्या में, और सब ज़्यादा ट्रेनें गोरखपुर में आ रही हैं और काफ़ी बसें भी लगी हैं यहाँ पे ले जाने के लिए। तो ये एरिया आज ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था, जिसको देखते हुए यहाँ पे 4 गाड़ियों से सैनिटाइजर कार्य किया जा रहा है। ये पूरे जनपद में 21 मार्च से लगातार रेगुलर सैनिटाइजिंग का कार्य किया जा रहा है, अलग अलग मोहल्ले में, सब्जी मंडी, ऑफिसेज, कार्यालय, मार्केट बाज़ार जो है, जो हॉट स्पॉट है, हॉस्पिटल है, और रेलवे स्टेशन का भी पहले भी लगातार हो रहा है, और आज इसको वृहद स्तर पर सैनिटाइजिंग के कार्य 4 गाड़ियां लगाकर यहां पे किया जा रहा है। सर, आगे भी ये कार्य किया जाएगा? ये रेगुलर चलता रहेगा हमेशा। हम लोग कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरा देश जो है कि एकजुट है, और फायर सर्विस द्वारा भी लगातार सैनिटाइजिंग का कार्य किया जा रहा है।